भाई साहब तुम खुश तो बहुत होगे, अगर तुम प्योर इंडियन हो तो तुमको पाकिस्तान की हार पर मजा तो बहुत आया होगा कल। खैर इस विषय में हम चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए, ध्यान सुनना आपके लिए बहुत काम का है, पूरे जीवन आपके काम आएगा। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल हमारे क्या क्या प्रेडिक्शन सही हुए, क्या क्या खराब हुए। तो जो पहला प्रेडिक्शन कल का मेरा ये था कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम पक्का रन बनाएगा और बाबर आजम ने रन मारे। दूसरा प्रेडिक्शन ये था कि अब्दुल्ला शफीक और इमाम हुलक में से कोई एक प्लेयर लंबा खेलेगा और अब्दुल्ला शफीक ने लंबा खेला, वो भी सही हुआ। और बाकी मैंने भाई मोहम्मद रिजवान को कैप्टन वाइस कैप्टन करने से पहले करने के लिए मना किया था और वो सही रहा कि मैंने मना किया, वो भी सही रहा। बस पहले बैटिंग करते हुए मैंने बोला था टीम में रख लेना, थोड़ा सेफ रहेगा। बाकी इफ्तिकार अहमद मैंने बोला था पहले बैटिंग करते हुए बढ़िया पारी खेलेगा, उसने बढ़िया पारी खेली। शदाब खान के बारे में मैंने प्रेडिक्शन तो मैंने मोहम्मद नवाज़ का दिया था क्योंकि मुझे लगा था शदाब खान नहीं खेलेगा, मगर मैंने ये बोला था मोहम्मद नवाज़, तो मोहम्मद नवाज़ की जगह पर शदाब खान खेला, हमने शदाब खान को वाइस कैप्टन किया, शदाब खान ने बढ़िया बैटिंग करी, ठीक है। बाकी अफगानिस्तान की तरफ से मैंने बोला था अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करेगी तो भाई तो ये नवीन उलहक पक्का दो विकेट लेगा, उसने दो विकेट ले लिया आखिरी ओवर में। मैंने ये भी बोला था कि अफगानिस्तान के लिए इस मैच में पाकिस्तान के सामने इब्राहिम जदरन पक्का रन मारेगा, ठीक है, और इब्राहिम जदरन के साथ में रहमत शाह या शाहिदी में से कोई एक प्लेयर रन मारेगा, तो दोनों ने ही रन मार दिए। ये हमारे प्रेडिक्शन सही हुए। बाकी पाकिस्तानी जो बॉलर हैं उनकी प्रेडिक्शन मेरे ख़राब रहे, जो कि यार एकदम अनएक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान मैच हार गई, मुझे लगा था पाकिस्तान जीतेगी वाला मैच और मुलाकात करेगी इंडिया से सेमीफाइनल में या फाइनल में, लेकिन नहीं, उनके तो ऐसे ही लग गए, मतलब अफगानिस्तान से हार गए, क्या ही बचा। खैर बाकी एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आप लोग के लिए वो ये है कि यार देखो, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग के पहले मैच से नौवें मैच तक लगातार हम लोग जीते, दसवां मैच हम लोग हारे, उसके बाद हम लोग आठ मैच, फिर एक दो मैच उतार चढ़ाव चला, फिर हम लोगों ने आठ मैच लगातार जीते और आठ मैच के बाद कल का मैच हम लोग हारे, कल हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। और मैं ये खुल के बोलता हूँ, देखो जब हम जीत अपनी दिखाते हैं तो हार भी बताए ना, काम करो तो ईमानदारी से करो वरना मत करो, है कि नहीं पुरुषोत्तम भाई, तो वो चीज़ है। तो हारे, मगर आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो, मैच कोई भी सा भी हो, अगर मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है इस मैच को लेके, तब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट ये सोच के किया करो कि अगर ये मैच हार गए तो इसके बाद दो तीन मैच खेलने का पैसा आपके पास बच रहा है या नहीं बच रहा है, ठीक है, हमेशा याद रखना। क्योंकि मैं भाई इंसान ही हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ ठीक है, अभी तक मैंने आपको 85-90% मैचेस जिताए हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं, क्यों ना माने, लेकिन कोई भी मैच आप हार सकते हो, क्रिकेट है। मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ, अगर वो सही नहीं हुआ तो क्या कर लूँगा, पैसा तो आप हार जाओगे। तो मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं खुद बोलता हूँ भरोसा करो, लेकिन आग बंद करके मत करो मेरे ऊपर, क्या किसी के ऊपर भी आग बंद करके भरोसा मत करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, समझ गया ना, तो वो चीज़ है। तो चलो बाकी हाँ, इस वीडियो को भी अभी से दोस्तों लाइक कर दो, और एक सबका लाइक और सबका एक लाइक एक कमेंट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल का मैच खराब गया है तो इसलिए आप लोग डबल प्यार दो ताकि आपके भाई को फिर से मोटिवेशन मिले, फिर से एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आए और इस मैच में तुम्हारा भाई तुम्हें क्लीन स्वीप करा सके, ठीक है। तो सब लोग अभी से एक लाइक और एक कमेंट कर दो, जो भी आपके दिल में मेरे लिए आप कमेंट करके बताओ, जो लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करो, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यू रखता है, मेरे लिए एक अलग मोटिवेशन एक एनर्जी है। तो लाइक और कमेंट कर दो, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों, अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में पैसे कमी नहीं आएगी, पैसा आप हमेशा कमाते रहोगे, इस बात का मेरा वादा है, बस आपको ढंग से फॉलो करना पड़ेगा जैसा मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो चलो, आई होप आप लोगों ने लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस करना। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मैं लाइव नहीं आ पाया, मगर क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है रोज़ वीडियो बनाना, मगर हाँ आज मैं लाइव आऊँगा 12:30 बजे या 1 बजे मैं लाइव आऊँगा इस मैच के लिए। तो जो भी ज्ञान बचेगा मैं लाइव में आके आप लोगों के सवालों के जवाब दे दूंगा, एक्स्ट्रा ज्ञान दे दूंगा, आप लोगों के साथ मिलकर टॉस के बाद स्मॉल लीग टीम बनाऊंगा लाइव, और आप लोगों के साथ ग्रैंड लीग टीम भी बनाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, रही बात हाँ, तो एडिटर साहब इंट्रो लगा दो, स्वागत कर दो तुम भी मेरा, चलो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, कैसा हो लोगों का, बढ़िया होगा, स्वागत है आपका और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों वीडियो में बात करने वाले, आज जो होने वाला है मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का, और भाई साहब ये मैच खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या होगी आज के मैच की मतलब टीम न्यूज़ क्या है दोनों टीम्स की, क्या प्लेइंग 11 होगी, वो जो प्लेइंग 11 में जो 11 खिलाड़ी खेलेंगे, कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, क्या अच्छा है बुरा है, किस तरह का प्लेयर, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज देंगे। आपको बताऊंगा मैं पिच के बारे में, पिच कैसा बिहेव करने वाली है, मैं आपको फैंटेसी की टिप्स दूंगा, किसको कब रखना है, कौन किस प्लेयर को आप कब ड्रॉप कर सकते हो,
कौन आपका ट्रंप बनेगा, किसके ऊपर रिस्क लेना है, पूरा ज्ञान दूंगा। अपने मैच की प्रेडिक्शन भी दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है, कौन सा प्लेयर आज परफॉर्म करेगा, कौन सा प्लेयर आज फ्लॉप होगा। और हम बात करेंगे प्लेयर्स के स्टैट्स की, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और हम बात करेंगे अपनी एक फैंटेसी टीम की भी, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, भाई वो जाके ज्वाइन कर लो। लगभग 13,60,000 लोग जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम पर, और ये टेलीग्राम चैनल फैंटेसी की दुनिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर ब्लूटिक लगा हुआ है, देखो हमारे चैनल पर वेरीफाइड चैनल है, ब्लूटिक लगा है, 13,60,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या बताता हूँ। पहली बात तो टॉस के बाद जो भी कोई अपडेट होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम है स्मॉल लीग की, जिस टीम से मैं स्मॉल लीग में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ रोज हर मैच में, सेम टीम मैं आपको फ्री में देता हूँ अपने टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको ढेर सारे गिवअवेज, ढेर सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर्स, सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, और जिनके पास लिंक जिनके फ़ोन में लिंक नहीं काम कर रहा है, आप लोग टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो अपने फ़ोन में और वहाँ पर सर्च करो अनुराग द्विवेदी, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। फैंटेसी में अगर पैसा कमाना है तो टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना आप पैसा नहीं कमा सकते, बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप इस पूरी फील्ड से अपडेटेड रह सकते हो, तो वो चीज़ है। तो जाके टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो। बाकी दोस्तों जिनको मतलब जिनको हमारी ग्रैंड लीग की टीम चाहिए हर रोज़, क्योंकि मैं हर मैच की ग्रैंड लीग की टीम देता हूँ और हमारी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हालांकि पिछले दो मैच से काम नहीं किया ईमानदारी से बताएं तो इस वर्ल्ड कप में तीन मैच ऐसे रहे हैं जिनमें हमारे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन काम नहीं किए, बाकी 19 मैचेस में काम किए हैं। तो अगर आपको हमारे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन चाहिए एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लगता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पर आपको ये मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल दिखेगा, अनुराग द्विवेदी एक्सक्लूसिव। इसमें आप जब टैप करोगे तो आपको यहाँ पर आपको टॉप मैच से थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की 10-15-20 टीम मिल जाती हैं, और उन टीमों में आप एक आधे प्लेयर आपका मैंने चेंज कर दो, आपका मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करने का वो चेंज कर दो, और आप ग्रैंड लीग खेलो, आपकी रैंक बहुत तगड़ी आएगी। पैसा आप हारोगे नहीं, पैसा वापस आ ही जाएगा, और हारोगे बिल्कुल नहीं, और रैंक इतनी अच्छी आएगी कि आप सोचोगे बस ये गलती ना करता तो फर्स्ट आ जाता। बाकी आपकी अगर किस्मत रही तो आप फर्स्ट आके मोटा पैसा भी कमा लोगे। हमने हज़ारों लोगों को ग्रैंड लीग जिताई है इस वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो और हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके इंस्टाग्राम पर ब्रॉडकास्ट चैनल दिखता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ब्रॉडकास्ट चैनल का डायरेक्ट लिंक भी दे दिया, तो डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी रही बात दोस्तों गिव अवे की, तो कल की हमारी वीडियो में कोई बंदा गिव अवे का विनर नहीं बना, क्योंकि भाई सब लोग सोच रहे थे पाकिस्तान जीतेगी, सब लोगों ने कमेंट में पाकिस्तान के प्लेयर्स का नाम लिखा, जबकि विनर कौन था, सबसे ज़्यादा रन मारे थे इब्राहिम जजरान ने, सबसे पहली कैच पकड़ी थी नवीन उलहक ने, और सबसे बढ़िया बॉलिंग स्पेल डाला था नूर अहमद ने, जो कि लग रहा था खेलेगा ही नहीं, वो खेल गया अचानक। तो कल का विनर कोई नहीं बना, ठीक है, तो इसलिए कोई विनर नहीं, कोई बात नहीं, आज विनर बन जाना, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक मुझसे गलती हो गई थी, गलती ये थी इंडिया और न्यूजीलैंड वाले मैच में मैंने जो गलत विनर अनाउंस कर दिए थे अपनी कल लास्ट वाली वीडियो में, तो जो सही मतलब श्रेयस अय्यर का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट नहीं था, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था रोहित शर्मा का। तो जो अपडेटेड जो नए जो तीन विनर हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये तीन लोग फाइनल विनर हैं इंडिया न्यूजीलैंड वाले मैच। ये लोग अपना कमेंट पढ़ लें, हम लोग हमारी टीम ने मैसेज डाला, रिप्लाई करें और अपना पैसा ले लें, ठीक है। चलो तो भाई तो इस वीडियो में भी गिव अवे, आप बस पूरा वीडियो देखो शुरू से अंत तक, और आप जब वीडियो देखोगे आपको तीन सवाल मिलेंगे हमारी वीडियो में, उन तीनों सवालों के आपको जवाब देने हैं कमेंट करके। अगर आपके जवाब सही होते हैं तो आप भी 10,000 रुपये जीत जाओगे और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और बस शर्त यह है कि आपको तीनों सवालों के जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में एक ही कमेंट में देने हैं, और आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाइयों लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो, उसमें आलस मत करना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा, तो अभी सर बाद वाला कोई चौधरी नहीं है, ठीक है। चलो बाकी जो गिव अवे कॉन्टेस्ट वाला प्राइवेट कॉन्टेस्ट वाला गिव अवे होता है दोस्तों, वो इस वीडियो में नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने विजन 11 से मैं कॉन्टेस्ट बनवाना भूल गया, तो मैं भूल गया इस मैच के, इस मैच में कोई गिव अवे और प्राइवेट कॉन्टेस्ट वाला गिव अवे नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बात बहुत लेट हो गया, बहुत बकचोदी कर ली, काम की बात करें। तो भाइयों टीम न्यूज़ की बात करें, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बड़ा मैच जीत के आई है लास्ट वाला, और 400 रन मारे थे उसमें, तो मेरे ख्याल से वो अपनी टीम में कोई चेंज नहीं करेगी। हाँ अगर टेम्बा बहुमा फिट होते हैं तो वो आ सकते हैं, मगर किसकी जगह पर आएंगे, टेम्बा बहुमा को बुखार था तो लास्ट मैच नहीं खेला, लेकिन टेम्बा बहुमा की जगह पर रिजा हेंड्रिक खेला, और हेंड्रिक ने तो गांठ फाड़ दी उस मैच में रन बना बना के। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम में हो तो आप सोचोगे यार बहुमा ना ही खेले तो अच्छा है, रिजा हेंड्रिक खेले क्योंकि बहुत बढ़िया फॉर्म में,
मगर अगर टीम में फिट हो गया बहुमा तो फिर वो खेलेगा, फिर हैंड्रिक को बैठना पड़ेगा क्योंकि और कोई प्लेयर है नहीं ड्रॉप करने लायक ना, वो चीज़ है। देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, मेरे ख्याल से नहीं खेले तो बढ़िया, बहुमा बहुना है वो। बाकी बांग्लादेश ने लास्ट मैच में साकिब अल हसन को मिस किया था, ठीक है, लेकिन उसने अपनी जो भी उसकी दिक्कत थी उसमें काम किया और नेट्स पे काफ़ी अच्छी बैटिंग की प्रैक्टिस भी करी, तो मेरे ख्याल से वो फिट है, वो ये मैच खेलेगा। बाकी तस्कीन अहमद को शोल्डर इंजरी था, तो वो मतलब शोल्डर इंजरी की वजह से वो ये वाला मैच भी मिस करेगा। ठीक है, ये तो हो गई टीम न्यूज़ की बात। एक बार नज़र डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पर और फिर मैं आपको बताता हूँ एक एक प्लेयर के बारे में, कौन सा प्लेयर कैसा है, अच्छा है बुरा है, सबके बारे में नॉलेज देता हूँ। लेकिन अब प्लेइंग 11 बताने से पहले दोस्तों, मैं अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी वीडियो जो देखते हैं मगर उन्होंने विजन 11 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है। भाई तुम लोग को भाई क्या बताऊँ, घर में इन्विटेशन भेजो क्या, क्या क्या करना चाहिए बताओ? क्योंकि देखो विजन 11 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पहली बात तो फ्री में डाउनलोड करने पर 500 रुपये फ्री मिल जाते हैं डाउनलोड करते ही, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको 50,000 रुपये का गिव अवे आज वाले मैच में भी मिल रहा है, फ्री कॉन्टेस्ट। तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको GST पे नहीं करनी पड़ती, आपका GST कंपनी ही पे करे 28%, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। चौथी चीज़, यहाँ पर मेगा लीग बहुत ही तगड़ी हो रही, बहुत बड़ी बड़ी मेगा लीग हो रही है। आप देखो आज वाले मैच में भी 2 करोड़ रुपए की, भाई देर मत करो, खुजलाना बंद करो, नाक से उंगली निकालो और अभी के अभी जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया जाके विजन 11 का ऐप डाउनलोड करो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करोगे, लिंक बोला क्या मैंने, नहीं मेरे लिंक से अगर डाउनलोड करोगे तो आपको 500 रुपये का बोनस मिलेगा, बस रेफर कोड अनुराग जरूर यूज़ करना, ठीक है। चलो तो कर लेना डाउनलोड। चलो प्लेइंग 11 की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 पहले देखें तो क्विंटन डिकॉक पक्का ओपन करने वाले, जो कि विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देंगे। उसके बाद टेम्बा बमर रिजे हंटिंग में से कोई खेलेगा। अगर हम दोनों बल्लेबाजों में कंपेरिजन करें तो भाई रिजे हंटिंग काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है अगर आप कंपेयर करो बहुमा से तो, ठीक है। उसके बाद रैसी वैन डरसन है, एडम माक्रम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, गिराल सियोटजी, केशव महाराज, कगिसर वाडा और लुंगी एनगिडी। तो ये भाई प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका की। क्विंटन डिकॉक एक ऐसा प्लेयर है जो कि अटैक करके खेलता है बढ़िया, अच्छी फॉर्म में भी, लास्ट 2 मैच में स्कोर नहीं किया क्योंकि तुम्हारे भाई ने प्रेडिक्शन किया था कि फ्लॉप होगा, बाकी प्लेयर अच्छा है नो डाउट। बाकी बहुमा डिसेंट है, रिजे हंड्रिक बहुत अच्छा प्लेयर है, रैसी बंदर डिसेंट, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अच्छे शॉट्स मारता है, एडम माक्रम भी बढ़िया प्लेयर है, बस इसका एक ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने थोड़ा स्ट्रगल करता है एडम माक्रम, और इनको भाई आज शाकिब अल हसन को अगर फेस करना पड़ा तो शाकिब अल हसन को अपना विकेट दे सकता है। बाकी हेनरी क्लासन स्पिन बहुत ही बढ़िया खेलता है, लाजवाब। डेविड मिलर फिनिशिंग वाला रोल प्ले करेगा, स्मॉल लीग की टीम में तो जगह नहीं बनती मगर ग्रैंड लीग में तो आप रख ही लेना। मार्को यानसन बढ़िया ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको हर मैच में पॉइंट दे रहा है। गिराल सियोटजी थोड़ा बहुत बल्ला घुमा लेता है, हल्की फुल्की बैटिंग कर लेता है, बाकी बॉलिंग से तो बढ़िया है ही, और ये सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट ले जाने के इसके चांसेस रहते हैं क्योंकि मिडिल ओवर में बॉलिंग करता है, पेस बहुत अच्छी है इसके पास। केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, डिसेंट सब सी बैटिंग कर लेता है, बाकी स्पिन वाली विकेट पे काफ़ी कारगर साबित होता है। उसके बाद कगिसर वाडा, लुंगी एनगिडी, ये दोनों बॉलर जो कि विकेट टेकर हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स की, तो भाई तानजीद हसन और लिट्टन दास ओपन करेंगे, फिर आएंगे नजमुल हुसैन शांटो, मेहडी हसन मिराज हैं, शाकिब अल हसन है, मुशफिकर रहीम है, तनवीर हिरदौ हैं, महमूदुल्ला हैं, शोरफुल इस्लाम है, मुस्ताफिजुर रहमान है, हसन महमूद और तानजीद शाकिब में से कोई एक। अब यहाँ पर ज्ञान लेना बहुत काम का है, तानजीद हसन ने लास्ट मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करी, ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन था, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बैटिंग करी, इंडिया के सामने था ना लास्ट मैच, तुम्हारे भाई ने प्रेडिक्शन भी दिया था तो अच्छा हुआ। लिट्टन दास का भी प्रेडिक्शन था, उसने भी बढ़िया बैटिंग करी, लेकिन लिट्टन दास के बारे में बता दो, लिट्टन दास ऐसा बल्लेबाज है कि जिस जब उसके सामने बहुत तगड़े तगड़े बॉलर होंगे उस मैच में पक्का रन बनाता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तानजीद हसन ऐसा प्लेयर है, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, वो लास्ट मैच चल गया, इस मैच में चलने के चांस बहुत कम क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी नजमुल हुसैन शांटो बढ़िया प्लेयर है, टेक्निकली अच्छा खेलता है और जिस दिन खेलता है लंबा खेलता है। बाकी मेहडी हसन मिराज बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देगा, शाकिब अल हसन भी बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देगा, मुशफिकर रहीम इनकी टीम के मिडिल ऑर्डर की रीड की हड्डी है, ये प्लेयर मिडिल ऑर्डर में सबसे बढ़िया प्लेयर है इनका, विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देगा। तनवीर हिरदौ उतना कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन जिस दिन बल्ला चलता है ये भी टिक के खेल सकता है, अगर बांग्लादेश के ऊपर के विकेट जल्दी गिर गए इसकी बैटिंग आ गई तो ठीक ठाक रन बना देगा पहले बैटिंग करते हुए। महमूदुल्ला एक अच्छी पारी खेल के तो आए लास्ट मैच में लेकिन हाँ फिर भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं इसके ऊपर क्योंकि काफ़ी टाइम में क्रिकेट से दूर रहने लगा है। उसके बाद शोरफुल इस्लाम विकेट टेकर है, पहली इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। मुसाफिजुर रहमान इसके पास वो चेंज ऑफ पेस है, कटर्स हैं, समझ रहे हो, तो ये बॉलर भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है पहले बॉलिंग करते हुए। हसन महमूद मिडिल ओवर में अच्छे खासे विकेट निकालने की क्षमता रखता है, तो हसन महमूद ऐसा प्लेयर है तो सेकेंड इनिंग में आपके लिए बढ़िया हो सकता है। और तानजीद साकिब भाई इस बंदे ने जब खेला था ना पहला मैच डेब्यू किया था भाई, रोहित शर्मा को शायद आउट किया था, बहुत बढ़िया उस पर डाला था और कॉन्फिडेंस लेवल्स का हाई था तो बहुत इंप्रेस किया था इसने मुझे, तो अगर ये आज खेलता है
तो आप इसको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ ट्रंप, ठीक है, स्पेशली सेकेंड इनिंग बॉलिंग करते हुए, ठीक है। चलो अब देखते हैं पिच के बारे में, जरा ज्ञान लेते हैं पिच कैसा बिहेव करने वाली है, पिच की रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन उससे पहले एक बात तो भूलनी पड़ेगी, ये जो जितने कमेंटेटर एक्सपर्ट लोग पिच रिपोर्ट करते हैं ना ग्राउंड पे, उनसे अच्छी पिच रिपोर्ट तो हम लोग दे देते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो पिच की बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं प्रोबो के बारे में। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जानते प्रोबो क्या चीज़ है। मैं बता दूं प्रोबो ऐसी चीज़ है कि फैंटेसी छोड़कर अब लोग प्रोबो खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, लगभग 70% लोग फैंटेसी छोड़ के प्रोबो पर आ चुके हैं। मुझसे लोग फैंटेसी की टीम उतना नहीं मांगते जितना प्रोबो के प्रेडिक्शन मांगते हैं। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको यस या नो में चल रहे सवालों का जवाब देना होता है। अगर आपके जवाब आपके प्रेडिक्शन अगर सही होते हैं तो वहां से आप पैसे कमा लेते हो और आसानी से बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेते हो UPI के थ्रू, ठीक है। अब मैं भी भाई बहुत सीरियस हो चुका हूँ, मैंने भी कल अच्छा खासा अमाउंट कमाया प्रोबो पर, ठीक है। तो यहाँ पर और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, बिटकॉइन, इलेक्शन, कहना क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, सभी तरह की फील्ड है। तो जिस भी फील्ड का आपको ज्ञान है आप वो फील्ड चुनो, वहाँ पर चल रहे सवालों के जवाब दो, यस ये नो करके प्रेडिक्शन करो और पैसे कमाओ। तो जिनके पास प्रोबो का ऐप नहीं है एक बार डाउनलोड करो जाके, पैसे नहीं लग रहे डाउनलोड करने के और ना ही आपको पैसे वहाँ पर डालने हैं। अभी अगर आप प्रोबो का ऐप डाउनलोड करोगे तो 50 रुपये का आपको बोनस मिल जाएगा और पूरा बोनस आप यूज़ करके फ्री में खेल सकते हो। तो जाके प्रोबो का ऐप डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। बाकी ये प्रोबो नहीं, ये प्रभु है, पैसा कमा, जिनको पैसा कमाना उनके लिए प्रभु है, ठीक है, जाके डाउनलोड कर लेना। चलो पिच पिच की दोस्तों बात करें भाई, ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में है मुंबई में और यहाँ के बीच बैटिंग लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज़ है और एवरेज स्कोर है ना यहाँ पर वनडे में 300 रन का एवरेज स्कोर है पिछले 5 वनडे में, ठीक है। पेसर्स को यहाँ पर ज़्यादा विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को कम विकेट मिलते हैं और पेसर्स को शुरुआती ओवर में तगड़ा बाउंस नई बॉल से और अच्छा खासा स्विंग मूवमेंट भी आपको देखने को मिलता है, ये भी चीज़ है, इसीलिए पेसर्स ज़्यादा विकेट लेते हैं। पिछले 5 वनडे मैच में यहाँ पर पेसर्स ने लिए हैं 62 विकेट और स्पिनर्स ने सिर्फ 19 विकेट लिए हैं, तो समझ सकते हो कितना बड़ा फ़र्क है, एक तिहाई का फर्क है। बाकी ड्यू यहाँ पर सेकेंड इनिंग में आ सकती है तो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप बड़ा स्कोर लगा देते हो तो आप डिफेंड भी कर सकते हो क्योंकि फिर प्रेशर में वो इतना चेस होते नहीं है। अगर आप पिछले 24 मैच यहाँ पर देखोगे तो 12 मैच डिफेंड हुए हैं, 12 मैच चेस हुए हैं, आराम से 300 रन उम्मीद कर सकते हो इस पिच पर, 300 रन उम्मीद कर सकते हो। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तब भी 250 रन आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। चलो हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड की दोस्तों अगर हम बात करें, 24 मैच खेले गए अफ्रीका बांग्लादेश के बीच में, साउथ अफ्रीका ने 18 जीते हैं और 6 मैच बांग्लादेश ने भी जीते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्लेयर्स के स्टैट्स की और ये चीज़ें इग्नोर मत करो, स्किप मत करो, बहुत ज़रूरी है, ध्यान सुनो। क्विंटन डिकॉक के अगर आप एवरेज देखोगे साउथ अफ्रीका इनके बांग्लादेश के सामने भाई 53 की एवरेज है जो कि बहुत बढ़िया है। इस ग्राउंड पर जो एवरेज है क्विंटन डिकॉक की 56 की एवरेज है जो कि बहुत बढ़िया है। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे पिछले 2 मैच में बड़ा स्कोर नहीं है मगर उससे पहले 2 के 2 मैच में सेंचुरी है, तो ठीक ही है, फॉर्म अच्छी मानेंगे। हेंड्रिक्स की बात करें इन्होंने भी इनकी परफॉर्मेंस इनकी भी इनका भी फॉर्म अच्छा है, लास्ट मैच बहुत बढ़िया खेल के आए और इस ग्राउंड पर लास्ट मैच खेले थे 85 रन मारे थे, यानी पिच इनको सूट कर रही है। रसी वेंकटेशन ने भी इस ग्राउंड पर एक मैच खेला पिछला वाला, 60 रन मारे थे और इनके बांग्लादेश के सामने भी इनकी एवरेज 46 की है। अगर बात करें एडन माकरम की, ध्यान से सुनना, तो एडन माकरम, लेकिन उससे पहले मैं गिवअवे का पहला सवाल आपसे पूछता हूँ। तो भाई आज की हमारी वीडियो का जो गिवअवे का पहला सवाल है वो ये है कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा प्लेयर मारेगा, उस प्लेयर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, गेस करो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन मारेगा, यानी चौके छक्के सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर मारेगा, उस प्लेयर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आंसर करना है, ठीक है। तो अगर आपका जवाब सही हुआ 10,000 रुपये जीत जाओगे और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन शर्त एक है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दो, बाद वाला कोई चोरी ना बचे, ठीक है, तो कर दो। बाकी यहाँ 3 सवाल पूछूंगा, एक ही सवाल नहीं है, 3 सवाल है, तो एक सवाल आपसे पूछ चुका हूँ, 2 सवाल आपसे आगे कभी भी पूछ सकता हूँ, तो दोनों के दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट में मतलब आंसर कर देना और एक ही कमेंट में तीनों सवालों के जवाब लिखना, ठीक है। चलो और कमेंट में और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए कि मोस्ट रन, मोस्ट बाउंड्री, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर का नाम लिखा होना चाहिए और उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो एडम माकरम की बात करें, रिसेंट फॉर्म बंदे का अच्छा है, ख़राब नहीं है, ठीक है। बाकी 3 मैच में 111 रन है बांग्लादेश के सामने, 37 की एवरेज है। इस ग्राउंड पर लास्ट मैच खेला 42 मारे, अच्छा खेला, लेकिन एक थ्रेड है बता रहा हूँ, शाकिब अल हसन सामने और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने एडम माकरम अपना विकेट दे सकता है। बाकी हेनरिक लार्सन की बात करें, स्पिन का सबसे बेस्ट प्लेयर है भाई दुनिया में इस वक्त और इस ग्राउंड पर एक मैच खेला लास्ट वाला, बहुत तगड़ा मारा था, 109 रन मारा था बहुत तेज़ी से, तो ये तो है ही बढ़िया। डेविड मिलर का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, ख़राब नहीं बोलेंगे, मगर बहुत लंबा, एक तो इतना नीचे बैटिंग करता कितने लंबा खेल ले, है ना, तो वो चीज़ है। मार्को जॉनसन की बात करें, लास्ट मैच में इसी ग्राउंड पर 75 रन मार के आ रहा है, 2 विकेट भी लेके आ रहा है,
मस्त भी रहेगा। इस बांग्लादेश के सामने भी एक मैच में 2 विकेट ले चुका है, ग्राउंड पर भी एक मैच में 2 विकेट 75 रन है। गुलाल सूरजी ने एक मैच खेला इस ग्राउंड पर, 3 विकेट लिए हैं, पिछले सूट किया था इनको। उसके बाद केशव महाराज के रिसेंट से नंबर है। कविश्वर वाडा का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, हर मैच में विकेट ले रहा है, खाली नहीं जा रहा, किसी भी मैच में 4-5 विकेट निकाल सकता है, हो सकता है यही मैच हो। बाकी बांग्लादेश के सामने भी बंदा 10 मैच में 19 विकेट ले चुका है और इस ग्राउंड पर भी 2 मैच में 5 विकेट हैं, यानी कि पिछले मैच में 1 ही विकेट इसको मिला था शायद, हाँ, और 2 मैच में 5 विकेट। इसका मतलब ये है कि इससे पहला मैच खेला था इस ग्राउंड को, इस ग्राउंड पर 4 विकेट बंदे ने लिए थे। IPL में भी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है इस ग्राउंड पर, तो वो चीज़। लुंगी अंगड़ी की बात करें, फॉर्म अच्छा है, हर मैच में बंदा विकेट निकाल के जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के सामने 4 मैच में 2 ही विकेट हैं और इस ग्राउंड पर 1 मैच में 2 विकेट हैं, ठीक है। चलो अब दोस्तों बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात करें, तो तांजी धसन ने साउथ अफ्रीका के सामने अभी तक खेला नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में 51 की है इंडिया के सामने, तो वो चीज़ है। और तो रिसेंट फॉर्म ठीक ही मानेंगे, मगर उतना कंसिस्टेंट प्लेयर है नहीं, ड्रॉप कर सकते इस मॉलिंग में। लिटन दास का भी रिसेंट फॉर्म ठीक है, पिछले 3 मैचेस में 2 बड़ी पारियाँ हैं और आप देखोगे तो 22 के एवरेज है साउथ अफ्रीका के सामने। नजमुल हसन चांटो अपना फॉर्म खो चुके हैं, पिछले 3 में से 3 मैच में फ्लॉप रहे हैं, मगर भाई जिस दिन खेलता है तगड़ा खेलता है, लंबा खेलता है, तो बढ़िया प्लेयर है, शॉट अच्छे मारता है और साउथ अफ्रीका के सामने तो पहला मैच खेलेगा। बाकी मेहदी हसन मिराज की बात करें, 2 विकेट लिया पिछले मैच में, बैटिंग बॉलिंग दोनों सबको पॉइंट देगा। साउथ अफ्रीका के सामने भी बंदा 5 मैच में 9 विकेट ले चुका है और 77 रन भी मारे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर दोस्तों बात करें शाकिब अल हसन की, तो ध्यान से सुनो, लेकिन हाँ शाकिब अल हसन की बात करने से पहले मैं गिवअवे का आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। तो भैया दूसरा सवाल हमारा ये है आज की वीडियो का, इस मैच में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल कौन सा बॉलर कर रहा है बताओ, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल कौन सा बॉलर फेंकेगा, उस बॉलर का आपको नाम गेस करना है और वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो भाई लिखो उस बॉलर का नाम, ट्राई करो, तुक्का मारो, कौन सा पैसा लग रहा है, जीत जाओगे ठीक, नहीं जीतोगे तो कौन सा घर भी का जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ट्राई करो, जीत गए तो 10,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, कल की वीडियो में नाम आ जाएगा। बस शर्त याद रखना कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी हाँ कर दो कमेंट करो, और भाई कमेंट सेक्शन में जो भी प्लेयर का नाम लिख रहे हो स्पेलिंग सही लिखना, और सिर्फ प्लेयर का नाम होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मोस्ट रन मोस्ट विकेट ये सब नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ मैं, वरना प्राइज़ नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, शाकिब अल हसन की बात करें, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लास्ट मैच जो खेले 40 रन मारे 1 विकेट लिया और 35 की एवरेज है इनके सामने साउथ अफ्रीका के सामने, 17 मैच में 16 विकेट भी हैं, तो ठीक ही है नंबर। मुशफिकुर रहीम का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है और 31 के एवरेज है साउथ अफ्रीका के सामने। शरीफुल इस्लाम का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, पिछले 2 मैचेस में 1 भी विकेट नहीं मिले। मुस्तफिजुर रहमान को भी विकेट नहीं मिले, रिसेंट फॉर्म बेकार है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी बात। अब जरा बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स की, कि मैं आपको क्या टिप्स देता हूँ, किसको कब लेना है, कब ड्रॉप करना है, कौन सेफ होगा, कौन ट्रम्प होगा, सबकी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, भाई विजन 11 पर ही खेलो। स्मॉल लीग खेलने वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर देखो आपको GST नहीं पे करना, ठीक है। वहाँ पर आपके स्मॉल लीग में कमीशन कम लिया जाता है, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस में होने के चांस कम होते हैं, ये चीज़। जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं भाई, वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैंड लीग चल रही हैं, वहाँ पर जीतने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि दो चलो हाँ। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की दोस्तों अगर बात करें, तो क्विंटन डिकॉक सेफ पिक रहेगा स्मॉल लीग के लिए, ठीक है, क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा, ओपन भी करेगा, तो बढ़िया रहेगा। बाकी हेनरी क्लासन मुशफिकुर रहीम में से आप जो भी पहले बैटिंग करें, आप उसको अपनी टीम में रख सकते हो, सेफ ही रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा। बल्लेबाजों की दोस्तों बात करें, मच्छर तेरी आकी माकी, हाँ रेसिबन रेडसन, तो भाई ये आपके लिए सेफ रहेगा ही। बाकी बउमा और हेंड्रिक्स में से जो भी मतलब खेले, वो भी आपके लिए सेफ पिक रहेगा, क्योंकि सामने बांग्लादेश है, सेफ पिक दोनों ही रहने वाले जो भी खेलता है। नजमुल हुसैन चांटो इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, जबकि प्लेयर बहुत अच्छा है और इस पिच पर बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो आपके लिए ट्रम्प हो सकता है। महमूदुल्ला और डेविड मिलर, इनको अगर आपको ट्राई करना है, तो भाई पहले बैटिंग करे अगर जो भी टीम, उसी को ट्राई करना, ठीक है, चाहे महमूदुल्ला हो बांग्लादेश या फिर डेविड मिलर हो साउथ अफ्रीका। तांजी धसन हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, लास्ट मैच में परफॉर्म करके आ रहा है, ये मैं सोचना बहुत तगड़ा प्लेयर रख लेते हैं, स्मॉल लीग मत रखना, सेफ नहीं है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलो ऑलराउंडर्स की बात करें, तो मार्को यानसन तो भाई मस्त पिक है, क्योंकि इसके पिच भी हेल्प करेगी बॉलिंग से भी, बैटिंग पिच पर रन भी मार देता है, तो बढ़िया प्लेयर है। शाकिब अल हसन अगर खेलता है तो मस्त पिक रहेगा, क्योंकि मेहदी हसन मिराज के साथ फिर ये बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से पॉइंट देगा, तो शाकिब और मिराज ये दोनों तो मस्त पिक रहेंगे बांग्लादेश से। एडन माकरम ज़्यादातर बॉलिंग नहीं कर रहा है, अभी तो बॉलिंग नहीं कर रहा वर्ल्ड कप में, बैटिंग ही कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी बैटिंग से आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। और हाँ, पहले अगर साउथ अफ्रीका मतलब ये बैटिंग करे बॉलिंग करे फर्क नहीं पड़ता, माकरम को ट्राई करना, हो सकता है कि आज की मैच में माकरम बॉलिंग करा दे, क्योंकि सामने लेफ्टी हैं, समझ रहे हो। तांजी धसन हो गया आपका, शांटो हो गया, फिर नीचे शाकिब हो गया,
उसके नीचे कौन है? हैं बहुत है, तो मतलब ये चीज़ तो आपके लिए बढ़िया पिक रहेगा, ये हो सकता है बॉलिंग भी करा दे, ठीक है एक सेकेंड चलो। तो बाकी उसके बाद बॉलर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो कागिसोर अबाड़ा इस पिच पर मस्ट पिक है, जरूर रखना अपनी टीम में, ठीक, क्योंकि किसी भी मैच में 4-5 विकेट लेके जा सकता है। लुंगी एनगिडी आपके लिए पहले बॉलिंग करते हुए इंपॉर्टेंट रहेगा साउथ अफ्रीका से, केशव महाराज सेकेंड इनिंग बॉलिंग करते हुए आप ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा बस ये बोलूंगा ट्राई कर सकते हो। बाकी गिराल सोर्जी वैसे तो दोनों इनिंग में अच्छा रहेगा बट ज़्यादातर सेफ रहेगा आपके लिए सेकेंड इनिंग में, और शरीफुल इस्लाम मुस्ताफिजुर रहमान ये दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में रख लेना अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराए, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर 3-4 विकेट लेके जा सकता है, ट्रंप हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलो ये तो बात होगी दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स की, अब जरा बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। देखो कैप्टन के लिए तो डिकॉक, शाकिब और मिराज ये तीनों अच्छे ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है। वाइस कैप्टन के लिए माकरम पहले अगर बैटिंग करें साउथ अफ्रीका तो क्लासन और कौन और इनकी तरफ से कौन कोई है, बस यही अच्छा ऑप्शन है। तो यही 4-5 अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इस मैच में। हाँ अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कराए तो माको यानसन भी एक सेफ ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, चाहे पहले बैटिंग है चाहे बॉलिंग करे दोनों में ही सेफ है। बाकी अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करा रही है तो भाई ग्रैंड लीग में कम से कम 8-10 टीमों में कागिसोर अबाड़ा को कैप्टन ट्राई कर लेना, बता रहा हूँ मैं, काम आएगा तुम्हारे ग्रैंड लीग में, एक तरफा ग्रैंड लीग में अच्छी रैंकिंग दिलाएगा ये बंदा, क्योंकि किसी मैच में 4-5 विकेट लेके जाने वाला है। चलो बात करते हैं दोस्तों मैच की प्रेडिक्शंस की, मेरी क्या प्रेडिक्शंस इस मैच के, लेकिन उसके प्रेडिक्शन की बात करने से पहले मैं अपने प्रोवो के आज कुछ प्रेडिक्शन देता हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं प्रोवो पर, मैंने 4 सवाल मगर मैंने उठाए हैं जिनके मैं आपको अपने ओपिनियन अपने प्रेडिक्शन देता हूँ। तो पहला सवाल मैंने ये उठाया क्विंटन डिकॉक आज मैच में 25 रन मारेगा या नहीं, तो मैं इसमें यस करूँगा और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करूँगा। साउथ अफ्रीका आज के मैच जीतेगी, मैं इसमें भी यस करूँगा, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करूँगा। बांग्लादेश 5 ओवर में 1 विकेट ले लेगी, तो मैं इसमें अगर बहुमा खेलता है तो मैं यस कर दूंगा, अगर बहुमा नहीं खेलता है तो मैं नो कर दूंगा। बाकी साउथ अफ्रीका 10 ओवर 50 रन मारेगी, हाँ मार लेगी, मैं इसमें भी यस करूंगा। तो ये भाई मेरे प्रेडिक्शन है प्रभु के, और ये 4 ही सवाल है, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, आप जाओ जाके प्रभु के ऐप डाउनलोड करो, देखो जिस भी सवाल का आपको जवाब आए कि हाँ ये प्रेडिक्शन होगा आपका, जो प्रेडिक्शन गवाही दे कि हाँ ये हो सकता है, आप यस यस या नो करके पैसा कमाओ। तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके प्रभु का ऐप डाउनलोड जरूर करना, ₹50 का बोनस मिलेगा फ्री में, फ्री में पहले दिन तो आप फ्री में ही खेल के देखो, मज़ा आ जाएगा, फैंटेसी छोड़ दोगे बता रहा हूँ मैं, ऐसी आदत लग जाएगी, ठीक है। ज़्यादा बर्बाद ज़्यादा वो सीरियस भी मत होना वरना पता चला घर और बेच के पैसा लगा दो, यस नो पे, यस नो कर रहे, रेडी पूछो क्या कर रहे हो, यस नो जॉनी जॉनी यस पापा इट इज सुगर नो पापा, तो वो चीज़ ना हो जाए, ठीक है। चलो मैच की प्रेडिक्शन की दोस्तों बात कर रहे हैं, मेरा पहला प्रेडिक्शन ये है क्विंटन डिकॉक और रैसी वैंडरसन ये दोनों खिलाड़ी पक्का रन बनाएंगे अफ्रीका के लिए अच्छे मैच में, और इनके साथ में बहुमा या हेंड्रिक्स में से जो भी खेलेगा वो रन बनाएगा। बाकी हेनरी क्लासन अच्छा रन मारेगा अफ्रीका के लिए फिर से अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, सेकंड इनिंग के भाई मैं गारंटी नहीं लेता। बाकी कागिसोर अबाड़ा माको यानसन पक्का विकेट लेंगे इस मैच में अफ्रीका के लिए, चाहे पहले बॉलिंग करे अफ्रीका चाहे बाद में फर्क नहीं पड़ता। लुंगी एनगिडी पहले बॉलिंग करते हुए अच्छा विकेट लेगा और गिराल सियोर्जी सेकेंड इनिंग बॉलिंग करते हुए अच्छे विकेट लेगा। बाकी लिट्टन दास और नजमुल हुसैन शांटो इन दोनों में से कोई एक प्लेयर बांग्लादेश की तरफ से बढ़िया पारी खेलेगा, लंबी पारी यानी 60-70 रन वाली पारी खेलेगा कम से कम। बाकी तांजिद हसन जो इनका बल्लेबाज ओपनर है वो फ्लॉप होगा। 7वां प्रेडिक्शन मेरा ये है कि शाकिब अल हसन मेहडी हसन मिराज ये दोनों डिसेंट ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेंगे, ठीक ठाक से पॉइंट दे देंगे। 8वां प्रेडिक्शन मेरा ये है कि मुस्ताफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम इन दोनों को पहले बॉलिंग करते हुए विकेट मिलेंगे। 9th प्रेडिक्शन जो मेरा वो ये है हसन महमूद और तांजिद शाकिब इन दोनों में से जो भी खेलेगा सेकेंड इनिंग बॉलिंग करते हुए इनको विकेट मिलेंगे ही मिलेंगे, किसके साथ में, शाकिब और मिराज के साथ में, ठीक है। बाकी साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगी, तो 10 मैंने प्रेडिक्शन दिए हैं इस मैच के, टॉस के बाद 7-8 ही वैलिड रह जाएंगे, देखते हैं 7-8 में कितने अच्छे होते हैं, ठीक है सही होते हैं। अब बात करें दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स की, तो आपको फैंटेसी क्रिकेट की टीम की, तो आपको स्क्रीन पर एक टीम दिख रही है और ये जो आपको टीम दिख रही है ये मेरी अभी के लिए मेरी यही टीम है स्मॉल लीग की, बाकी क्योंकि अभी तो भाई मुझे नहीं पता कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या टीम में चेंजेस है, प्लेइंग 11 क्या है ना, तो वो चीज़ नहीं पता। एक सेफ टीम मैंने आपको दे दी स्मॉल लीग की, बाकी जिस टीम से मैं खुद लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ स्मॉल लीग में, अगर आपको मेरी स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जाके उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लिंक ना भी काम करे तो टेलीग्राम पर सर्च करना अनुराग द्विवेदी, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा है, वेरीफाइड चैनल है, यहाँ पर आपको ढेर सारे गिवअवेज ऑफर्स मेरी फाइनल टिप्स मेरी फाइनल टीम्स टॉस के बाद मिल जाती हैं, तो जाके ज्वाइन जरूर करना। इतने से लाखों लोग 13 लाख लोग ज्वाइन करके बैठे क्यों, क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है, तो आप भी जाके ज्वाइन जरूर कर लो, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत काम की चीज़ है फैंटेसी वालों के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो, आपको अगर ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत होती है, आप सही कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हो ग्रैंड लीग में, तो टेंशन मत लो, तुम एक काम करो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है
ये अनुराग द्विवेदी एक्सक्लूसिव, तो इसको ज्वाइन करो ठीक है। पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर जब आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा ब्रॉडकास्ट चैनल का, इस पर क्लिक करके ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना। और कुछ लोग के इंस्टाग्राम में हो सकता है ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं आता है, कुछ लोग के इसमें होता है ऐसा, तो उन लोगों के लिए मैंने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करने का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको ग्रैंडली की टीम तो मैच से थोड़ी देर पहले मिल जाती है, 10-15 टीम, तो आप मेरे कॉम्बिनेशन का यूज़ करना, एक आध प्लेयर चेंज कर देना या कैप्टन वाइस कैप्टन और किस्मत आजमाना ठीक है, तो अच्छा ही अच्छी रैंक पक्का आएगी, ये चीज़ तो कन्फर्म है। बाकी दोस्तों हाँ, एक और चीज़, तो हमारा गिवअवे का तीसरा सवाल है, तो भाई आज की वीडियो का हमारा गिवअवे का तीसरा सवाल ये है कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट कौन से प्लेयर की होगी, गेस करो, उस प्लेयर का नाम लिखो, लेकिन हाँ उस प्लेयर ने कम से कम 10 बॉल खेली हो तभी माना जाएगा, कम से कम 10 बॉल। तो बताओ कौन से प्लेयर की स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होने वाली है आज के मैच में, गेस करो ठीक है। तो भाई तीन सवाल आपसे पूछ चुका हूँ, तीनों सवालों का जवाब कमेंट करके आंसर कर दो, अगर आपके जवाब सही हुए तो आप 10,000 रुपये जीत जाओगे, कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस शर्त याद रखना कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हाँ कमेंट में जो भी प्लेयर के नाम लिख रहे हो स्पेलिंग सही लिखना, और कमेंट में सिर्फ प्लेयर के नाम लिखे होने चाहिए, अगर ये लिखा मोस्ट रन मोस्ट विकेट तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है ठीक है। चलो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जिंदगी भर पैसा कमाते रहोगे, पैसे कमी नहीं आने वाली, और बेल आइकन प्रेस करना, मैं 12:30 या 1 बजे लाइव भी आऊँगा इस मैच के लिए, तो लाइव आपके आपके सवालों को जवाब दूंगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा, आपके साथ मिलकर लाइव में ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आपके साथ मिलकर टॉस के बाद स्मॉल लीग की फाइनल टीम बनाएंगे ठीक है। तो लाइव में भी आ जाना, और बाकी हो सके तो यार दोस्तों के साथ शेयर करो, वैसे आलसी हो तुम लोग लेकिन मेरे लिए कर सकते हो तो कर देना ठीक है। चलो मिलते हैं फिर लाइव में, मिलते हैं टेलीग्राम पर, मिलते हैं इंस्टाग्राम पर, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, और आज हमारे लाइव में कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, बहुत ही बकचोद आदमी कोई आने वाला है, मतलब उसकी शक्ल देख कर ही आपको आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, तो ईयरफोन तैयार रखना जब भी हम लाइव हैं ठीक है। चलो बकचोदी करेंगे बिंदास, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मुझे भी बोल दो ऑल द बेस्ट कमेंट बॉक्स में।